बात कैसे हैं आप सब। वेल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी के फेवरेट मोबाइल स्टोर द गैजेट जोन हमेशा आपके लिए नए नए ऑफर्स लाता रहता है, और इस लॉकडाउन के बाद भी आप सभी के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल ऑफर डेफिनेटली होना चाहिए। सो इस बार हम ले आए हैं आप सभी का फेवरेट मोबाइल यानी कि एप्पल आईफोन बहुत ही अफोर्डेबल और इजी ईएमआईस पर, यानी कि आईफोन एससी सिर्फ और सिर्फ ₹54 पर डे की इजी इंस्टॉलमेंट पर अवेलेबल है। आईफोन XR ₹66, आईफोन 11 ₹76, आईफोन 12 मिनी ₹97, एप्पल वॉच एससी ₹121 ओनली, आईपैड सिर्फ और सिर्फ ₹82 की इजी इंस्टॉलमेंट पर अवेलेबल है। यानी कि इतनी कम ईएमआईज होने के बावजूद आपको कोई भी डाउन पेमेंट नहीं देनी है। तो अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लाएं और अपनी पसंद का फेवरेट आईफोन या कोई भी एप्पल गैजेट घर ले जाएं। अगर आप ये फैसिलिटी अपने घर पर चाहते हैं तो द गैजेट जोन अवेलेबल है फ्री होम डिलीवरी विद इजी फाइनेंसेस के साथ। सो कॉल अस और विजिट अवर स्टोर। सी यू गाइस। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टीवी। आज के मुख्य समाचार। अभय चौटाला बोले, अब की बार कोरोना की नहीं इनेलो की आएगी तीसरी लहर। पंजाब चुनाव से पहले केजरीवाल ने फेंका पासा, कहा पंजाब में 300 यूनिट तक मिलेगी मुफ्त बिजली। अच्छी खबर, मॉडर्ना की वैक्सीन के आयात को मिली मंजूरी। ट्विटर पर एक और FIR दर्ज। रिंकू बनचंदा बोले, पीएम ने शिक्षा नीति बदल कर दिखाई हिम्मत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 31 जुलाई तक देश में लागू हो वन नेशन वन राशन कार्ड पॉलिसी। कांग्रेस नेता विनीत पुनिया ने कहा, भाजपा की गलत नीतियों की वजह से आसमान छू रहे हैं डीजल पेट्रोल के रेट। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से। गायक जगमणि ने कहा, संघर्ष के बाद कामयाबी का अलग ही है मजा। T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से। अब समाचार विस्तार से। इनेलो नेता अभय चौटाला आज कार्यकर्ताओं की बैठक लेने फतेहाबाद पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा, आज के समय में भाजपा जजपा गठबंधन सरकार से पूरा प्रदेश दुखी है। पढ़े लिखे युवा तो रोजगार ना मिलने से इस सरकार में अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर बारे पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर अभय सिंह ने कहा, तीसरी लहर तो इस बार इनेलो की आएगी। अभय सिंह बोले, किसानों के आगे प्रधानमंत्री को एक दिन झुकना ही पड़ेगा। इस दौरान जजपा नेता चांदीराम कड़वासरा, जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन रहे अंग्रेज सिंह लाली, सोनू संधा सहित सैकड़ों युवाओं ने इनेलो का दामन थामा। इस बैठक में पंजाबी कलाकार मनकीरत ओलख भी विशेष तौर पर शामिल हुए। जिला प्रधान बलविंदर कैरो ने इनेलो नेता का स्वागत किया। अभय चौटाला युवाओं की भीड़ देखकर खासे उत्साहित नजर आए। आज के जो हालात है, आज लोग सरकार से दुखी है, परेशान है। ये दो वर्ष की जो भाजपा की जजपा की जो सरकार बनी, इस सरकार में हर वर्ग के लोग दुखी और परेशान हो रहे। आज साथियों, भ्रष्टाचार का उसी बात है। आज कानून व्यवस्था का दिवालिया फिटा हुआ है। आज तो पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो सबसे ज्यादा अपने आप को अपमानित महसूस करता है। सबसे ज्यादा अगर किसी के सामने दिक्कत और कठिनाई है तो पढ़े लिखे नौजवान के सामने। पंजाब विधानसभा की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज चंडीगढ़ में बड़े ऐलान किए। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने वादा किया कि पंजाब में चुनाव जीतने पर हर पंजाबी को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा पंजाब में पुराने सभी बकाया घरेलू बिजली बिल माफ होंगे। उन्होंने कहा, पंजाब में सभी को 24 घंटे बिजली भी मिलेगी। हालांकि उन्होंने कहा, 24 घंटे बिजली देने का वादा 4 साल में पूरा किया जाएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। देश में कोरोना को हराने की जंग के खिलाफ वैक्सीनेशन को तेज करने के मामले में आज एक अच्छी खबर आई है। सरकार ने सिप्ला कंपनी को देश में मॉडर्ना की वैक्सीन को आयात करने की मंजूरी दे दी है। फिलहाल यह वैक्सीन सीमित आपात स्थिति में ही प्रयोग हो सकेगी और उसके बाद रिजल्ट देखने के बाद हर व्यक्ति को लगाई जा सकेगी। वहीं भारत में जल्दी फाइजर का टीका भी मिल सकता है।
ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक और एफआईआर दर्ज हुई है। ट्विटर की वेबसाइट पर भारत का गलत नक्शा दिखाने के मामले को लेकर बुलंदशहर में यह केस दर्ज किया गया है। ग्रामीण शिक्षा के निदेशक रिंकू मनचंदा का मानना है कि बरसों बाद किसी प्रधानमंत्री ने शिक्षा नीति में परिवर्तन करके हिम्मत दिखाई है। अब तक हम जो पढ़ाई कर रहे थे वह केवल कलर की बनाती थी। नई शिक्षा नीति ने युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसरों का सृजन किया है। हमारी संवाददाता स्वाति गौतम ने रिंकू मनचंदा से विस्तृत बात की कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो बड़े विजनरी प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने ये एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को ये मैसेज दिया है कि भारत जो है वो स्किल कैपिटल बनेगा आने वाले समय में दुनिया के लिए। दुनिया के सभी देशों को भारत ने ये मैसेज दिया है कि अगर आपको स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है तो आप भारत के पास आइए, हम आपको स्किल्ड मैन पावर देंगे। इस प्रोग्राम को सरकार ने नाम दिया है TITP, टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके अंदर भारत सरकार ने अब तक 34 देशों के साथ MOU किया है, जिसमें उनको जिस भी प्रकार की मैन पावर चाहिए वो भारत सरकार से मांगे, भारत सरकार उस तरह के अपने ट्रेनिंग सेंटर्स के जरिए ऐसी मैन पावर को तैयार करेगी और उनको उन देशों के अंदर माइग्रेट कर देगी। आप रिंकू मनचंदा का पूरा इंटरव्यू YouTube पर कल स्टेटमेंट टीवी पर जाकर 12 बजे देख सकते हैं। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर, हमारे यहाँ पर डिजिटल एक्सरे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड, डिजिटल OPG एंड EEG टेस्ट, मेमोग्राफी, कलर डॉपलर, ब्रेस्ट एंड थायराइड अल्ट्रासाउंड और सभी प्रकार के CT स्कैन किए जाते हैं। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर, शिव हंस मॉल के पीछे, मॉडल टाउन, फतेहाबाद। फतेहाबाद केसरी अरुणवंश महासभा द्वारा आस्वास्थ्य विभाग के सहयोग से अरुणवंश धर्मशाला में निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। शिविर के प्रधान मोहरी राम ग्रोवर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। महासचिव डॉक्टर गुलशन शेट्टी ने बताया कि कैंप में करीब 125 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। आप सुबह किस टाइम से लगे हुए? 9 बजे से लगे हुए जी सुबह। ये कौन सी डोज लगा रहे हैं? हमारे पास कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों है जी। आज कब का टारगेट है? हमारा 150-200 का टारगेट है जी। अभी तक आप कितने लगा चुके? हमने कोविशील्ड लगा दी जी 70 के लगभग जी, फर्स्ट और सेकंड डोज, और कोवैक्सीन लगाई है 10 जी। और अभी टाइमिंग आपकी यहाँ कब तक रहेगी? हमारी 3 से 3 बजे तक रहेगी जी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ जी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज चलाए गए मेगा वैक्सीनेशन अभियान में MM कॉलेज ने भी भाग लिया। आज कॉलेज परिसर में आयोजित कैंप में 150 से अधिक युवाओं का टीकाकरण किया गया। जगजीवनपुरा में गुरुद्वारा सिंह सभा के नए भवन में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। वहीं व्यापार मंडल रतिया द्वारा अनाज मंडी में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा व जिला प्रधान बलदेव ग्रोहा मुख्य तौर पर पहुंचे। फतेहाबाद सदर पुलिस ने लखनपाल निवासी कीर्तिनगर, रमन निवासी शक्तिनगर, रतिया व भजनलाल निवासी सिरसा को 4 अवैध पिस्तौल व 8 जिंदा कारतूस सहित काबू किया है। पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। हमारी CIG टीम के द्वारा कल 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से कुल 4 देसी पिस्तौल और 8 उनके जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, जिनमें से एक लड़का लखनपाल है और एक रमनदीप है और एक भजनलाल है। तो कहाँ के रहने वाले सर ये? ये एक रतिया का रहने वाला है, लखनपाल यालकी का है। इनको यालकी से ही गिरफ्तार किया गया है और इनके ओरिजिन ट्रेस के लिए लखनपाल का रिमांड लिया जा रहा है पुलिस के द्वारा, और इनको शीघ्र यानी इसमें ओरिजिन ट्रेस वाले को भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाए। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो सकता है और यह 13 अगस्त तक चल सकता है। सरकार की तरफ से सांसदों को सत्र शुरू होने से पहले वैक्सीन की दोनों डोज लेने के लिए कहा गया है।
आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप की डेट का ऐलान कर दिया है। यह वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच यूएई और ओमान में खेला जाएगा। हालांकि इस टूर्नामेंट की मेजबानी का अधिकार बीसीसीआई के पास ही रहेंगे। रतिया नगरपालिका के सचिव सुरेंद्र सिंह को ईओ के पद पर प्रमोट करने के बाद आज उनका तबादला डब्बावाली कर दिया गया है। अगर शौक पालना है तो संघर्ष करना भी जरूरी है। संघर्ष करते हुए मंजिल तक पहुंचना और उसके बाद कामयाबी की खुशियां बांटने का अलग ही मजा है। हिजरावा कला निवासी जगमनी ने संगीत की दुनिया में ऐसा ही कुछ किया है। जगमनी ने बताया कि वह अपना संगीत का शौक पूरा करने के लिए यूके गए और वहां उन्होंने काफी संघर्ष किया। उसके बाद कलाकार जगमनी संगीत में नए आयाम छूते चले गए। हाल ही में उनकी एल्बम बरात को श्रोताओं ने खूब सराहा है। कलाकार जगमनी से हमारी संवाददाता स्वाति गौतम ने बात की। लंदन गया, मैं लंदन उठे गया जी, उठे एक वीकेंड से कि इतने नया जन्म होया मेरा या एक तरह दा उठे नए लोग सारा कुछ नवा सी गाना ते समझन दे विच थोड़ा टाइम लग गया। हार्ड वर्क कीता उठे जी, हां जिद्दा उठे रेस्टोरेंट होंदे आ पब होंदे आ और म्यूजिक इंडस्ट्री दे जेडे लोग होंदे उनां नु मिलया, फिर हौले हौले उठे गाना स्टार्ट कीता, अपना एक लाइव बैंड बनाया या और इसी तरह फिर अगे तो अगे लोगों का प्यार मिलता रहा। तो मैं अपना उत्थे अच्छे प्रोग्राम लाए हैं जेडे अज गूगल पर भी है, यूट्यूब पर भी है जी। आप यह पूरा इंटरव्यू यूट्यूब पर स्ट्रीटमेल टीवी पर कल दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से परेशानी का सामना कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत भरा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि वे वन नेशन वन राशन कार्ड पॉलिसी को 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से लागू करें। यह आदेश लागू होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को कहीं से भी राशन कार्ड दिखाकर राशन मिल सकेगा। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की। इस मुलाकात में किसानों के मुद्दों पर दोनों मंत्रियों के बीच चर्चा हुई। वहीं एचवाईएल नहर व नहरी पानी के मुद्दे पर भी वार्ता होने की समाचार है। क्रिढ़ान के युवा हरि गुदारा का रिसर्च पेपर विश्व की जानी मानी मैगजीन द वर्ल्ड फोकस में छपा है। हरि गुदारा का टॉपिक है द डालमिया ऑफ डेवलपमेंट ग्रीन पॉलिटिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी। हरि गुदारा जिला के वरिष्ठ कांग्रेस नेता नवनीत गुदारा के बेटे हैं। उनके द्वारा लिखा गया विषय यूपीएससी की सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खासा नॉलेज भरा टॉपिक हो सकता है। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने सीएमओ को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अमित शर्मा ने कहा हरियाणा में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा हटाए गए कर्मचारियों की नौकरी तुरंत बहाल की जाए। कांग्रेस नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया सचिव डॉक्टर विनीत पूनिया ने पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही लगातार वृद्धि की निंदा की है। उन्होंने कहा कि आसमान छूते टैक्सों और भाजपा की गलत नीतियों के कारण पेट्रोल डीजल आज तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों से उन्होंने मांग की कि पेट्रोल डीजल पर टैक्सों के नाम पर हो रही लूट बंद हो और पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर जनता को तत्काल राहत प्रदान की जाए। गवर्नमेंट कॉलेज बट्टूकला में आज दूसरे कोविड वैक्सीन मेगा कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में बट्टू की एसएमओ डॉक्टर सुजाता बंसल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। आज के लिए बस इतना ही। आप निरंतर बने रहें स्ट्रीटमेल टीवी के साथ। यूट्यूब पर जाकर स्ट्रीटमेल टीवी को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पर जाकर स्ट्रीटमेल पेज को लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे नई सूचनाओं व समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।